हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। कुछ लेटेस्ट दोस्तों यहां पर अपडेट आई हुई है और आज के दिन दोस्तों ये स्टॉक जो है तकरीबन 3% से ऊपर हमें जाता हुआ नज़र भी आया है। तो दोस्तों कौन सी न्यूज़ है वो हम यहां पर जानेंगे और क्या ये राइट टाइम है यहां पर फ्रेश बाइंग करने का। कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में जेपी पावर का करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर और यहाँ पर देखें 4.65 रुपये पर दोस्तों ये स्टॉक जो है आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा नीचे जाएं, उसके वॉल्यूम को एनालाइज करें तो तकरीबन दोस्तों 6 करोड़ का वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है NSE और BSE दोनों मिलाकर। ऑन एन एवरेज दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 करोड़ के बीच में ही वॉल्यूम जनरेट होता है, तो वॉल्यूम के मामले में कंपनी ठीक ठाक काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो सबसे पहले दोस्तों हम उसकी न्यूज को देख लेते हैं कि न्यूज असल में क्या आई हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कोल स्टॉक्स इंप्रूव एट पावर प्लांट्स इन नवंबर। पावर मिनिस्टर जो है दोस्तों उनका ऐसा कहना है। कंप्लीट दोस्तों न्यूज कैसे समझिए आप, कोल स्टॉक्स एट ओवर 136 पावर प्लांट्स इन द कंट्री इंप्रूव्ड टू 18.95 मिलियन टन इन नवंबर दिस ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 मंथ। दोस्तों पार्लियामेंट में ऐसा इन्फॉर्म किया गया थर्सडे वाले दिन। सितंबर वाले मंथ में दोस्तों यहां पर 10.37 मिलियन टन के अराउंड कोल था, और दोस्तों अगर हम बात करें अक्टूबर वाले मंथ की तो यहां पर देखें 8.07 मिलियन टन दोस्तों यहां पर आपको एक इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह, उन्होंने दोस्तों लोकसभा में इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एज ऑन 26th November 2021 द टोटल कोल स्टॉक्स अवेलेबल विद 136 लिंकेज बेस्ड पावर प्लांट्स मॉनिटर्ड ऑन अ डेली बेसिस इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है विच इज सफिशियंट टू रन दीज प्लांट्स फॉर एन एवरेज ऑफ 9.5 डेज। सो काफी दिनों से दोस्तों एक प्रॉब्लम चल रही थी, आप ऐसा कह सकते हैं कोल से रिलेटेड, जो कि अभी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है और इसकी इंफॉर्मेशन खुद पावर मिनिस्टर जो है आरके सिंह उन्होंने यहां पर दी है। तो दोस्तों ये एक बड़ी न्यूज है उन सभी कंपनीज के लिए, उन सभी पावर प्लांट्स के लिए जो कि कोल के बलबूते चलती हैं। उनमें से एक कंपनी जो है दोस्तों वो जेपी पावर भी है, ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमको आज के दिन यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड भी देखने के लिए मिली। तकरीबन दोस्तों ये स्टॉक जो है 2 से 3% के अराउंड ऊपर भी जाता हुआ नजर आया। लेकिन यस, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, वो ये दोस्तों कि स्टॉक जो है दोस्तों ये ओवरऑल अगर हम देखें तो एक पैनी स्टॉक है, 4.65 रुपये पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो नॉर्मल इसकी वैल्यूज है, मतलब अगर मैं बात करूं इसकी पी वैल्यू की या फिर आरओई की, तो ये सारी वैल्यूज काफी अच्छी नजर आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है वो ये दोस्तों, जब आप इसके बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो देखें जो बोरोइंग है यहाँ पर तकरीबन 5,171 करोड़ की है दोस्तों। डेप्ट काफी ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो ग्रोथ भी नहीं कर पा रही है। अगर मैं इसके दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाऊं तो देखें जून वाले क्वार्टर में दोस्तों इसने प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन सितंबर वाला जो क्वार्टर था वहां पर ही कंपनी नेगेटिव नजर आई थी। लेकिन यस, इस वाले क्वार्टर में जो कि दिसंबर का होगा क्वार्टर 3, वहां पर ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो भी दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, क्योंकि देखें ओवरऑल देखा जाए पावर सेक्टर में तो सारी जितनी कंपनीज है पावर सेक्टर में वो ग्रीन एनर्जी को भी फॉलो कर रही हैं और फ्यूचर अगर हम देखें तो ग्रीन एनर्जी का ही है। सो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो दोस्तों वो जो ड्यूरेशन होगा वो तकरीबन 1 से 2 साल कुछ ऐसा होना चाहिए, प्लस आप ऐसा पैसा यहाँ पर लगाएं जो कि अगर आप लॉस भी करते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़े, क्योंकि दोस्तों ये एक रिस्की स्टॉक है। डेफिनेटली आपको इसका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। अभी के प्राइस अगर आप मानकर चले 4.65 रुपये के पास चल रहा है, अगर आपने इसके अराउंड खरीदा और
छः सात तक भी इसको आप अगर निकालते हैं तो ठीक है, आपका 70-80% प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाता है आने वाले दोस्तों 6 महीने से 1 साल के अंदर। बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर आपको नज़रिया 5 साल से 10 साल के ऊपर का नहीं रखना है और बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म का भी नहीं रखना है। और वही कैपिटल दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ करना है जो कि आप एक रिस्क वाले सेक्टर में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कंपनी में आगे जाकर बहुत बहुत अच्छा एक पोटेंशियल नहीं होगा। अगर आप भी इस बात से अग्री हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग करने की जल्दबाजी नहीं कीजिए, बल्कि खुद आप एनालिसिस करो और आपको अगर लगता है तभी किसी भी स्टॉक पर बाइंग या सेलिंग करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में। जय हिंद।